आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण देश में कई कृषि उत्पादों के दामों पर प्रभाव पड़ा है। वहीं कपास, जो जनवरी महीने में रिकॉर्ड भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल था, वो अब 8,000 रुपए से 10,000 रुपए तक स्थिर हो गया है। इसलिए कुछ किसानों के मन में ये सवाल है कि कपास बेचें या फिर भंडारण करें। लेकिन वही व्यापारी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद बाजार की कीमतों में फिर से सुधार होगा, इसलिए वर्तमान स्थिति में किसानों के लिए ये उचित होगा कि वे संभल कर बिक्री करें, सही समय पर बिक्री करें। इस साल भी किसानों को अच्छे दाम की उम्मीद है। कपास की कीमतों में कुछ हद तक रूस और यूक्रेन के बीच जंग का प्रभाव दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ये दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नहीं है कि यह विश्व बाजार को प्रभावित करेगा। इसलिए कपास की कीमतों में अभी इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, बल्कि भविष्य में दाम बढ़ेगा। महाराष्ट्र प्रमुख कपास उत्पादक है। यहाँ किसान आशान्वित हैं कि उन्हें इस फसल का अच्छा रिटर्न मिलेगा। कपास उत्पादक किसानों का कहना है कि दोनों देशों में चल रहे युद्ध के कारण कीमतों में असर तो पड़ रहा है, इसलिए कुछ किसान अभी से भंडारण करना चाहते हैं। इस साल सीजन की शुरुआत से ही कपास की कीमतों में तेजी आई थी। हालांकि बाद में स्थिति के चलते जो कपास 8,000 से 10,500 रुपए था, वह सीधे 4,000 से 7,000 तक आ गया था। लेकिन इसके बाद कपास का भाव सामान्य हो गया और इस सीजन में ऐसा रेट देखने को मिला है जो पिछले 10 साल में नहीं मिला था। अब कपास के भाव 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक स्थिर हो गए हैं। इसके अलावा अभी मांग में गिरावट नहीं आई है, इसलिए विशेषज्ञ किसानों को सलाह दे रहे हैं कि बिना किसी गड़बड़ी के सही तरीके से कपास को रोक रोक कर बाजार के रुख को देखते हुए बेचें तो अधिक लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।